Hello everyone, welcome to my channel. I'm Dr. Gunjan Goyal and we are going to start with our part 2 of the chapter number 3, metals and non-metals. So, ye hum aapka 10th class ka chapter number 3 kar rahe hai unit 1 se, us metals and non-metals. So, uska hum log ek part already kar chuke hain, jisme humne metals ke baare mein jana, humne metals ki physical properties aur chemical properties ko study kiya. Then हमने reactivity series देखते हुए metal oxides की reactions देखी, okay? So आज हम part 2 start करने वाले हैं. So let's see what are the contents we are going to study under this part. So part 2 में हम लोग आज non-metals की बात करेंगे. हमने position already देख ली थी periodic table में कि non-metals कहाँ पे present होते हैं, ठीक है? तो आज हम इसकी physical properties करेंगे और इसकी chemical properties करेंगे non-metals. So chemical properties की कुछ reactions देखेंगे हम. तो रिएक्शंस आपको ऑलरेडी पता है कि हमें पहले इसकी केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन चैप्टर अच्छे से आना चाहिए ताकि हम रिएक्शंस को लिखना और उसको बैलेंस करना सीख सकें, ठीक है? सो दे ऑल आर रिलेटेड. यू कैन नॉट से दैट कि आपने एक चैप्टर कर लिया बस बात खत्म हो गई. सो योर सिलेबस इज डिजाइन इन सच अ वे दैट यू हैव टू स्टार्ट विद योर चैप्टर नंबर 1 एंड देन ओनली यू कैन गो इन द फर्दर सब्जेक्ट्स बिकॉज दिस इज केमिस्ट्री. ऑब्वियसली केमिस्ट्री कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है, बायो अलग है, फिजिक्स अलग है, बट केमिस्ट्री है. आपको पहले चैप्टर से ही स्टार्ट करना पड़ेगा केमिस्ट्री के फर्दर चैप्टर स्टडी करने के, ठीक है? सो हम केमिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की देखने वाले हैं. नॉन मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ, क्लोरीन के साथ, हाइड्रोजन के साथ और मेटल और नॉन मेटल की आपस में रिएक्शन देखेंगे और नॉन मेटल ऑक्साइड्स के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे. सो लेट्स सी कि नॉन मेटल्स होते क्या है हमारे. सो नॉन मेटल्स एक ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि ना ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ना ही वो मैलिएबल हैं, ना ही वो डक्टाइल. तो आई होप दीज टर्म्स आर क्लियर विद यू. हमने ये लास्ट वीडियो में किए थे मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी, हमने एग्जांपल्स के साथ की थी कि जो हमारी कॉपर होती है, गोल्ड होती है, उसको किस तरह से वायर्स में या शीट्स में हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं. सो दैट इज मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी. तो इसमें हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करते और ना ही वो मैलिएबल और डक्टाइल होते. सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द नॉन मेटल्स व्हिच वी हैव ऑलरेडी सीन इन अवर पीरियोडिक टेबल, बट वन दे आर ऑल प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, बट देयर वाज वन एक्सेप्शन दैट इज हाइड्रोजन व्हिच इज अ नॉन मेटल बट इट इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल. ओके, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स के बारे में हमने बात की थी, आप सबको ध्यान होगा. तो वो जो हमारे मेटल्स होते हैं, मेटल्स क्या करते हैं, वो पॉजिटिव, वो लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? सो उसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन बोला जाता है और इनको इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन बोला जाता है नॉन मेटल्स को. व्हाई दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, बिकॉज दे फॉर्म नेगेटिव आयन्स बाय गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन. जब कोई चीज इलेक्ट्रॉन्स लेती है, गेन करती है अपने पास, तो वो नेगेटिव चार्ज आ जाता है उसके ऊपर, उसको इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट बोला जाता है. जबकि कोई चीज जो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के दूसरे को दे देती है, ठीक है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है, उसको इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट बोला जाता है, ठीक है? तो मेटल्स हमारे इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होते हैं और नॉन मेटल्स हमारे इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट. तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में जैसे कि हमने बोला कि ज्यादातर इनकी अगर हम स्टेट्स की बात कर रहे थे तो ये ज्यादातर सॉलिड्स और गैसियस फॉर्म में होते हैं, बट देयर वाज वन एक्सेप्शन व्हिच इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, दैट इज ब्रोमीन. तो ये सारे के सारे कलर्स में आते हैं, जबकि जो मेटल्स थे वो ज्यादातर ग्रे कलर के होते हैं, बट देयर वाज सम एक्सेप्शन जैसे गोल्ड और कॉपर, बट ये सारे के सारे कलर्स में होते हैं जो हमारे नॉन मेटल्स. तो मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी आपको डिफरेंस आ सकता है क्वेश्चन. सो दैट्स व्हाई मैं आपको कंपेयर करके ही इसमें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेटल्स का आप सबको समझ में आ चुका है. अब हम नॉन मेटल्स की बात करें तो ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ब्रिटल होते हैं, इजिली टूट जाते हैं, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, ये ऑर्डर्स ऑफ बहुत पंजेंट स्मेलिंग होते हैं, ठीक है? और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स बोलते हैं इन्हें, एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है? और डल होते हैं, शाइनी नहीं होते, इंसुलेटर्स होते हैं यानी कि बैड कंडक्टर्स हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, कलर्ड होते हैं, पंजेंट स्मेलिंग होते हैं. सो दीज आर ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज व्हाट नॉन मेटल्स पोजेस. ओके,
अगर वन बाय वन हम बात करें, फर्स्ट इज हार्डनेस, जनरली सॉफ्ट होते हैं, बट देयर इज एन एक्सेप्शन, डायमंड, सब लोगों ने सुना होगा. डायमंड इज एन एक्सेप्शन, इट्स अ फॉर्म ऑफ कार्बन ओनली, बट इट इज वेरी हार्डेस्ट नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस. इट्स अ नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस, ओके. बहुत हार्डेस्ट सब्सटेंस है ये डायमंड, बट सारे के सारे नॉर्मल जनरली सॉफ्ट होते हैं. स्टेट सॉलिड और गैशियस होती है, बट एक्सेप्शन विद लिक्विड, दैट इज ब्रोमीन. डल अपीयरेंस होती है, बट डायमंड एंड आयोडीन आर एक्सेप्शंस. डायमंड आपको पता है कितने शाइनी होते हैं, दे आर नॉट डल. ओके, सोनोरस मींस दे आर नॉट सोनोरस. हमने सोनोरस एक्टिविटी पढ़ी थी, टंग टंग बेल बजने वाला था, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में या आपकी घंटी में सब में मेटल्स डाले जाते हैं, बिकॉज दे प्रोड्यूस सम रिंगिंग साउंड. जबकि नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं होता, दे आर नॉट सोनोरस. ओके, so bad conductors of heat and electricity, but exception is always there, that is graphite, which is an allotrope of carbon. Ye good conductor hai electricity ka, so this is an exception. Exception always remember, jab bhi aap physical properties likhenge you have to mention the exceptions. It's not like ki aapne general scenario mention kar diya, so that is a half explanation. Full explanation is always write an exception when it is mentioned in your book. मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी करेक्टर्स ये शो नहीं करते. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इनका बहुत लो रहता है, डेंसिटी भी इनकी लो रहती है, और ये बहुत सारे कलर्स में आते हैं, बिकॉज दे आर कलर्ड सब्सटेंसेस. ठीक है, सो दीज आर अबाउट योर फिजिकल प्रॉपर्टीज. देन कम्स द केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग इसकी नॉन मेटल्स की ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन के साथ देखने वाले हैं, एंड देन नॉन मेटल्स की हम लोग मेटल्स के साथ रिएक्शन करने वाले हैं. ओके, सो फोर टाइप ऑफ रिएक्शन हम लोग फर्दर देखने वाले. देन हम सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं हमारा मेटल्स, नॉन मेटल्स का, सॉरी नॉन मेटल्स का. हम नॉन मेटल्स का किसके साथ देख रहे हैं आप रिएक्शन, हम ऑक्सीजन के साथ देख रहे हैं नॉन मेटल्स की. तो ऑक्सीजन के साथ जब भी नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाएंगे, नॉन मेटल ऑक्साइड्स. ठीक है, तो पता ही है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जैसे ही मेटल के ऑक्साइड्स बना रहे थे, बट अल्कली मेटल सबसे ज्यादा रिएक्ट करते. और यहाँ पे नॉन मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो भी नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले कार्बन बात करें, जो कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और हीट भी प्रोड्यूस करेगा. बट जब कार्बन को इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर में बर्न किया जाता है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड बना देता है. जब उसके पास सफिशियंट अमाउंट ऑफ एयर या ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती तो वो कम्प्लीट डाइऑक्साइड नहीं बनाता, वो एक मोनोऑक्साइड बना देता है. और कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है ये एक टॉक्सिक गैस होती है, इसको इनहेल करने से इंसान कैन डाई आल्सो. सो वन हैज टू टेक केयर विद दिस सब्सटेंस. ओके, तो तभी कहते हैं कि पॉलिथिन वगैरह जलाना नहीं चाहिए, बिकॉज ये वाली गैस उसमें से रिलीज आउट होती है. ठीक है, तो अंगीठी वगैरह लगाकर अंदर बंद कमरे में सोना नहीं चाहिए बोला जाता था. अंगीठी लगाते थे पहले कुछ लोग, अंगीठी लगा के कमरा बंद करके सोना नहीं चाहिए, बिकॉज उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आ जाती है, जिसके कारण वो इतनी डेडली और इतनी टॉक्सिक सब्सटेंस है कि वन कैन डाई. सो सल्फर जो है, अब हम बात कर लेते हैं सल्फर के. अभी तक हम कार्बन की बात कर रहे थे, जब सफिशियंट सप्लाई मिलती है ऑक्सीजन की तो कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है. व्हेन इट इज लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन देन इट फॉर्म्स कार्बन मोनोऑक्साइड. सल्फर रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड बना देता है, हाइड्रोजन रिएक्ट करके वाटर बना देता है. सो दीज आर दी रिएक्शंस ऑफ दी नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन. अब हम बात कर लेते हैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स की. जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं बेसिकली वो एसिडिक इन नेचर. क्या होते हैं एसिडिक. मेटालिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर थे. नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स उसके अपोजिट काम कर रहे हैं, दे आर एसिडिक इन नेचर. तो एसिडिक इन नेचर मीन्स ब्लू लिटमस टू रेड. किसमें टर्न करेंगे लिटमस पेपर को, ब्लू टू रेड. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम इसकी बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड की, ये एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड हो गया, तो जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये कार्बोनिक एसिड बना देता है, बिकॉज ये बेस की तरह रिएक्ट कर रहा है. जब बेस पानी से रिएक्ट करेगा तो वो एसिड फॉर्म करेगा. ठीक है, सॉरी एसिडिक इन नेचर होते हैं, आई एम सॉरी दे आर एसिडिक इन नेचर. तो ये जब इससे वाटर से रिएक्ट कर रहे हैं तो इसका ये एसिड बना देंगे फर्दर कार्बोनिक एसिड. सल्फर डाइऑक्साइड जो है जब वाटर से रिएक्ट करें तो वो सल्फ्यूरस एसिड बना देंगे.
सल्फर डाइऑक्साइड की हम बात कर रहे थे, जब वो वाटर से रिएक्ट करते हैं तो वो सल्फ्यूरस एसिड बनाते हैं, बट जब वो ऑक्सीजन से सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है तो वो सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है. जब सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो पहले वो SO3 बनाएगा, और जब वो वाटर से रिएक्ट करता है तो वो क्या बना देगा, सल्फ्यूरिक एसिड. सो ये रिएक्शन आपको ध्यान में रखनी है. तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक नेचर होते हैं, जब वो वाटर से रिएक्ट करते हैं तो वो अपना फर्दर एसिड बना देते हैं. ठीक है, अब हम सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन पे आ गए हैं. पहले हमने बात करी नॉन मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ. अब हम बात कर रहे हैं क्लोरीन के साथ. तो जब वो क्लोरीन के साथ बात करते हैं रिएक्ट, तो क्या बना देते हैं, क्लोरीन नॉन मेटल जो है क्लोराइड बनाएंगे बेसिकली, जब वो क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करें तो उसी का क्लोराइड बना देंगे. ठीक है, तो अब जब हाइड्रोजन जो है क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोक्लोराइड बना दिया उसने. ठीक है, जब फॉस्फोरस क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड बना दिया. ठीक है, तो हम इसमें बात कर रहे थे ना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की, इसी तरह से इसमें क्लोरीन की ये आउटर शेल, तीन शेल्स बता रखी हैं आपने, ये किया होगा 9th स्टैंडर्ड में. तो इसका जो एटॉमिक नंबर रहता है वो 17 रहता है. ठीक है, और ये क्लोरीन स्पेसिफाई किया रहता है ये इसका एटॉमिक मास. ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे करें. बेसिकली हमें यहाँ क्या बताना है, जब नॉन मेटल्स क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसका क्लोराइड फॉर्म कर देते हैं. अब आ जाती है बात नॉन मेटल्स की हाइड्रोजन के साथ. तो जब नॉन मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो कोवलेंट हाइड्राइड बना देते हैं. यानी कि जैसे आप सल्फर देखिए, सल्फर इज अ नॉन मेटल, व्हेन इट रिएक्ट्स विद द हाइड्रोजन तो इट फॉर्म्स हाइड्रोजन सल्फाइड, एंड देन नाइट्रोजन इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन एज अ कैटलिस्ट, तो ये क्या बना देता है, अमोनिया. ये एक कोवलेंट हाइड्राइड है. ठीक है, नॉन मेटल यूजुअली पानी या स्टीम से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करते, तो ये मेटल से बिल्कुल अपोजिट काम है. एंड दे डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स, डाइल्यूट एसिड से भी रिएक्ट नहीं करते. सो इट्स अ बिग क्रॉस, नाइदर दे रिएक्ट विद वाटर स्टीम टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस एंड नॉर दे रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड्स. ओके, then is the reaction of the metal and the non-metal. So many metals, ये आगे important topic आ गया है. अब हम बात करने वाले हैं ionic compounds की. ionic compounds के ऊपर आपको पूरा का पूरा question आ सकता है, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा. इसकी basic में चीज है, आपको एक reaction इसमें cover करूंगी और ionic compounds की detail हम लोग next part में करेंगे. Okay? So many metals they form ionic bonds. मेटल्स और नॉन मेटल्स की जब रिएक्शन होती है तो ज्यादातर वो लोग आयनिक बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं, जिनको आयनिक कंपाउंड्स कहा जाता है. बिकॉज़ व्हाई दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स, एज यू ऑल नो मेटल्स क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स. नॉन मेटल्स क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स. मेटल्स ने क्या करना है, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना है. मेटल्स ने इलेक्ट्रॉन लूज करना है ना, इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल्स ने इलेक्ट्रॉन्स गेन करना है ना. इन्होंने गेन करना है, इन्होंने लूज करना है. गेन किसने करना है, नॉन मेटल्स ने, और लूज किसने करना है, मेटल्स ने, है ना. तो जिसके कारण उनका कंपाउंड फॉर्म हो जाता है, ये लूज कर देता है, ये गेन कर लेता है, तो आपस में बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, जिसको आयनिक बॉन्ड बोला जाता है, और वो आयनिक कंपाउंड फॉर्म. जैसे कि अगर आप सोडियम की बात करें, सोडियम जो है, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर ये हम लोग आगे करेंगे, एटॉमिक नंबर से, इलेक्ट्रॉनिक नहीं एटॉमिक नंबर इसके आगे करेंगे. बट जब ये आयन लूज कर देता है तो ये Na पॉजिटिव बन जाता है, और इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया. मैग्नीशियम भी पॉजिटिव चार्ज कर देता है जब ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, Mg2 पॉजिटिव. ठीक है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया. जब सोडियम ने वन इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज ले लिया, और उसको बैलेंस आउट करने के लिए हम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे साथ में लिखते हैं. तो जब मैग्नीशियम ने दो इलेक्ट्रॉन्स लूज किए तो उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया, और 2 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग बैलेंस करने के लिए साथ में. ठीक है, सिमिलरली नेगेटिव आयन्स क्या होते हैं, वो गेन कर लेते हैं. मैंने अभी समझाया, जैसे क्लोरीन है हमारा,
क्लोरीन एक नॉन मेटल है, जब इसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना है, गेन करने के लिए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो अब आपस में इन लोगों का रिएक्शन होता है, ठीक है। अब जैसे आप सोडियम की बात कीजिए, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ, ठीक है। इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके NaCl बना दे, दैट इज सोडियम क्लोराइड, एक कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट जिसे बोला जाता है, बिकॉज इसका एक इलेक्ट्रॉन जो इसने लूज किया वो इसने ले लिया और इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड एस्टेब्लिश हो गया। इस बॉन्ड को बोला जाता है आयनिक बॉन्ड। क्या बोला जाता है? आयनिक बॉन्ड। और कंपाउंड बन गया ये आयनिक कंपाउंड। ओके, सो ये आयनिक कंपाउंड की डिटेल हम लोग नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं, तो स्टे ट्यून टिल देन। ओके, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, please press the like button and share this video with your friends, and don't forget to subscribe my channel. Thank you so much. Bye bye. See you tomorrow with the next part of this video. I'm like, I need bonds, right? Bye bye.